आगे बढ़ते हैं और हनुमानगढ़ के नोहर से बड़ी खबर है। गांव फेफाना में हुआ रिश्तों का खून, बेटे ने माँ बाप को उतारा मौत के घाट, भाई को भी अधमरा किया। सूचना पर नोहरा फेफाना पुलिस मौके पर पहुंची है। बीती रात करीब 8 से 9 बजे की बताई जा रही ये घटना। नशेड़ी बताया जा रहा आरोपी युवक, एक दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से छूट कर आया था आरोपी। नोहर पुलिस जुटी है मामले की पड़ताल में। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है, क्योंकि बेहद गंभीर ये पूरा मसला हो जाता है जब रिश्ते ही रिश्तों का खून करते हैं। अभी जो पहली बात सामने आई है उसके मुताबिक आपको बता दें, ये बताया गया है जिसने खून किया है अपने माता पिता और भाई को भी अधमरा कर दिया है युवक ने, वो नशे का आदि था और हो सकता है शायद नशा ही बड़ी वजह हो जिसकी वजह से बेटे ने अपने माँ बाप को मौत के घाट उतारा है। ये खबर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जब रिश्ते ही रिश्तों का खून करते हैं तो हर किसी को झटका लगता है। तो गांव फेफाना की पूरी घटना है जहां पर रिश्तों ने ही रिश्तों का खून किया है, खून ने ही अपने खून का खून किया है। बेहद दर्दनाक और बेहद गंभीर ये पूरा मसला। हनुमानगढ़ की ये पूरी घटना है, गांव फेफाना में ये घटना घटित हुई है। अब इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, देखिए ये पूरा मसला बेहद गंभीर हो जाता है और समाज को सोचने पर मजबूर कर देता है जब अपना ही खून खून करता है। हाँ जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि ये कल रात 8:30-9 बजे की घटना बताई जा रही है और इसमें अभी तक इस बात का पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि उसके भाई ने ही इस बात का कत्ल किया है, लेकिन शक के तौर पर जाहिर की जा रही है ये बात। जी बिल्कुल कपिल, यानी कि अभी शक ही है कि खून इन्होंने किया होगा, पर अब ऐसे में जो बात सामने आई है कि नशा मुक्ति केंद्र से कल ही आया था युवक। हाँ बिल्कुल जी, कल ही ये युवक काफी ज्यादा नशा करता था, इसे इसके भाई वगैरह रिश्तेदारों ने इसे नशा मुक्ति केंद्र पर भेज दिया था, उसके बाद कल ही छूटकर वहां से ये नशा मुक्ति केंद्र से आया था। चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।